ये तो मानना ही पड़ेगा कि ध्रुपद एक गंभीर किस्म का गायन है। मतलब आप एक राग 3-4 घंटे भी गाएं और शायद उसके बाद भी मन ना भरे लगे कि नहीं, अभी इसमें और विस्तार हो सकता था। अब क्या आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो अपने आप को इससे रिलेट कर पाएगी, इस गायकी से, इस शैली से? और अगर नहीं कर पाएगी तो फिर जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो यही है कि क्या करना चाहिए कि ध्रुपद की जो लोकप्रियता है वो बढ़े, वो और ज्यादा फैलाव मिले उसको। देखिए, ये जहाँ तक प्रश्न है, निश्चित तौर पर ये बाकी की जितनी भी हमारी परंपराएं हैं गाने की और गायकी की जो पद्धतियां हैं, उसमें ध्रुपद निश्चित तौर पर ये गंभीर और बड़ा एक विस्तार वाला और जिसको कहें कि ये शांत, इसमें काफ़ी एक विस्तार से इसको गाया जाता है, जिसके लिए काफ़ी एक साधना और कल्पना शक्ति और तालीम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ये बात उतना ही सच है। और आपका जो आगे जो प्रश्न था कि ये गंभीर, और तो गंभीर तो ऐसा है कि गंभीर तो क्या अब ख्याल भी गंभीर हो सकता है, दूसरी ठुमरी भी गंभीर हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर और ये तो गाने वाले के ऊपर और थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत विचारों के ऊपर होता है, पर मूलतः राग संगीत जो है ये एक मतलब ये एंटरटेनमेंट से ज़्यादा एक एनलाइटनमेंट की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसके मतलब तो ध्रुपद भी एक, चूंकि राग संगीत का एक भाग है, तो उसके अंदर भी ये एक जिसको कहते हैं एक हमें एनलाइटनमेंट की एक अनुभूति जो होती है, तो ये एक भाग है। और दूसरा, इसका जो फॉर्मेट है ध्रुपद का, ये फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि ये पहले एक भी कभी भी ये परफॉर्मिंग आर्ट नहीं था, ये हमेशा साधना का विषय रहा। जैसे इसलिए आपने बताया 3-3, 4-4 घंटे, तो ऐसा होता है, हम लोग भी कभी कभी राग लेके बैठते थे, हमारे गुरुजी या मैं भी जब सिखाता हूँ तो एक एक राग 3-3 घंटे चलता है, विस्तार इतना होता रहता है कि ऐसा लगता है इसमें भी और भी कर सकते हैं, और भी हो सकता है। ये बिल्कुल सच बात है। तो जहाँ तक हमारी कल्पना शक्ति और हमारा गला चल रहा है, उतना हम लोग इसको गाते बजाते हैं। और इसके अंदर अब इसको लोगों से कैसा जोड़ा जाए, तो अब ये भी इतना ज़रूर कहूँगा कि पहले की तुलना में ऑडियंस भी बड़ी है, लोग सुनते हैं, सीखने वाले भी बड़े हैं, इंटरेस्ट बढ़ा है, लोग जानना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका ये बढ़ेगा धीरे धीरे। और फिर भी अगर नहीं भी बढ़ा तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मेट जो है वो हो सकता है कि शायद लोगों को अपील नहीं होता है उतना, तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा खेद मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है इसकी पद्धति ही इस प्रकार से है। मैं चाहा कि इसको बदल बदल के भी कितना बदलूंगा और क्यों बदलूंगा, बदलना तो हमारी, बदलना क्या होता है, हमारी परंपरा में बदलाव जो है कि गुरुमुख से जो विद्या आती है उसको हम, गुरु ने जो बताया है, मार्गदर्शन दिया है, उसको हम अपने तरीके से, अपने मनोविचार से, अपनी भावना से उसको आगे गाएंगे तो उसके अंदर बदलाव हो जाता है। और बदलाव होना ही आवश्यक है, अगर वैसा के वैसा ही कुछ चला तो वो नष्ट हो जाता है, उसमें कुछ वो कला टिकती नहीं। तो कला में बदलाव तो एक स्वाभाविक एक परिस्थिति है कि जो अपने आप बदलाव होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उसको डाइल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि आप ख्याल रखें, भाई आपको जितना समय दिया गया है उतने में आप गा लें उसको अच्छे ढंग से, उसको जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसकी जो वो प्रेजेंट करने की कोशिश करें, बस इतना इसके अंदर हो सकता है। बाकी ये श्रोताओं के ऊपर है कि वो उसको किस ढंग से लेते हैं। और ऑफ कोर्स जो कलाकार हैं उनकी तो बहुत बड़ी जवाबदारी है कि वो कला आपकी किस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। उदय जी, आप अपने वीना फाउंडेशन के बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि उसका भी जो पूरा का पूरा कार्य क्षेत्र है संगीत के जगत में वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ऐसा है कि मैंने 3 बातों के ऊपर बहुत ध्यान दिया, कि एक तो मैंने जो अपने गुरुओं से जो सीखा है उसको मैं अच्छा और उस पवित्र से, उस बात
भावना से मैं उसको गा सकूं, उसको ऊपर रियाज कर सकूं, पहली बात ये। दूसरी बात मैंने सोची थी कि जो मैंने सीखा है उसको सिखाऊं आने वाली जनरेशन को, और तीसरी बात मैंने अपने गुरुओं की स्मृति में वीणा फाउंडेशन की एक स्थापना की, जिसमें एक विचार किया गया कि ध्रुपद के कार्यक्रम हों और उसके अंदर एक समाज जुड़े, लोग जुड़े, श्रोता जुड़े, तो एक ध्रुपद का प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा, लोगों को ध्रुपद ज़्यादा सुनने को मिल सकेगा। तो वीणा फाउंडेशन इस तरह का कार्य करती है। वीणा फाउंडेशन हम ध्रुपद के जो विद्यार्थी आते हैं मेरे पास, उनको फिर वो रहने खाने का प्रबंध, ये दूसरा, और अगर कुछ स्कॉलरशिप भी हम लोगों ने दी है, और कई कार्यक्रम भी हम लोगों ने वीणा फाउंडेशन के किए हैं, उसमें ध्रुपद के अलावा ख्याल या बांसुरी, सरोद, तबला, ये भी कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं उसके अंदर। तो ये संस्था मुख्य तौर से पूना में ही हम लोग इसके कार्यक्रम करते हैं, और बस ये गुरुओं को एक उनकी स्मृति को याद करना और समाज से जुड़ना, यही इसका एक बड़ा उद्देश्य है। आपने कुछ कला फिल्मों का संगीत तैयार किया है, उससे आप, उसके संगीत पक्ष से आप जुड़े रहे हैं, तो कुछ उस अनुभव के बारे में भी शेयर कीजिए। जी, हमारे गुरु बंधु और हमारे बहुत आदरणीय फिल्मकार मणि कौल जी, उनकी दो फिल्मों में मैंने गायन किया, आलाप और कुछ ध्रुपद के पद थे वो गाया। उसके बाद फिर अरुण खोपकर जी की रसिक प्रिय और लोकप्रिय करके दो फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो रसिक प्रिय मतलब क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर थी, और लोकप्रिय मतलब जो फिल्म संगीत या दूसरे सुगम संगीत के ऊपर बनाई थी, तो मैंने वो रसिक प्रिय में भी गाया था। तत्पश्चात उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने मुझे मिस्टर मिसेस अय्यर में आलाप गाने के लिए बुलाया था, और फिर रेणुका शाहनी जी की रीटा एक फिल्म आई थी उसमें मैंने गाया था, और अमोल पालेकर जी की अनाहत एक बहुत सुंदर फिल्म बनी थी, वो महाभारत काल से पहले की जो काल था उसके ऊपर, उस कालखंड के संस्कृति के ऊपर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उसके अंदर मैंने काफ़ी गाया है, और पूरा ध्रुपद का ही उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, कोई दूसरा वाद्य या म्यूजिक उसमें नहीं किया है। तो ये सब अनुभव बड़े अच्छे थे, और इन सब श्रेष्ठ कलाकारों के साथ काम करने का अवसर जो मिला, ये बड़ा एक सीखने वाला और एक हमेशा एक बहुत संस्मरणीय रहेगा मेरे लिए। उदय जी, फिर एक बार आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ध्रुपद गायन के बारे में जो आप गा रहे हैं, जो राग आप गा रहे हैं, उसके बारे में बताते हुए हमें कुछ सुनाइए। मैं थोड़ी देर राग छाया नट में आलाप गाता हूं।
आपने हमारे लिए समय निकाला, आप रागगिरी से जुड़े और जहां जैसा मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि हम उस शैली के बारे में जान पाए जहां भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें मिलती हैं, आपने समय निकाला, इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी आपका और सभी श्रोताओं को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।